हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल गैलेक्सी नुस्खे में। आज मैं बात करने वाला हूँ अल्ट्रा ब्राइट क्रीम के बारे में, जो कि स्किन को साफ़ करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद क्रीम है। यह आपको तभी फ़ायदा करेगी जब आप इसे लिमिटेड समय तक यूज़ करें। अगर आप इसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते हैं तो आपको स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्ट्रा ब्राइट क्रीम के बारे में, इसके क्या कंपोजिशन है, कंपोजिशनों का क्या काम है, अल्ट्रा ब्राइट क्रीम को आप किस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रा ब्राइट का आपका क्या डोज होना चाहिए, यूज़ करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और इसे यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अल्ट्रा ब्राइट क्रीम, जो कि ली फूड कंपनी की बनाई हुई क्रीम है और यह 25 ग्राम के पैकेट में आती है। और MRP की बात करें तो 135 रुपये इसका MRP है और ये आपके पास के मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन, तो तीन इसमें इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, पहला हाइड्रोक्विनोन, दूसरा ट्रेटिनोन और तीसरा मोमेटासोन। और तीनों सॉल्ट आपको ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसे लिमिटेड समय तक ही यूज़ करें। अब बात करते हैं हाइड्रोक्विनोन का क्या काम है, यह मलासमा, डार्क स्किन की प्रॉब्लमों को दूर करता है। दूसरा सॉल्ट जो कि ट्रेटिनोन, यह एक विटामिन ए का रूप होता है और यह एक्ने को दूर रखने में काफ़ी मददगार होता है। अब बात करते हैं तीसरा सॉल्ट जो कि एस्ट्रॉइड सॉल्ट है, या मोमेटासोन, जो कि स्किन को साफ़ करने का काम करता है। और इस सॉल्ट को आप ज़्यादा दिनों तक तो यूज़ ना करें, नहीं तो आपकी स्किन को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा ब्राइट को उनको आप किस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे स्किन को साफ़ करने के लिए, गोरापन के लिए, मलासमा, डार्क स्किन, इन सभी प्रॉब्लमों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ करने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से कंसल्ट करके आप इस क्रीम का यूज़ करें। अब हम बात करने वाले अल्ट्रा ब्राइट क्रीम की आप डोज, तो आप इसे दिन में एक बार ही लगाएं, वो भी रात को लगाएं। आप इसे धूप में लगा के ना जाएं, जिससे आपको रिएक्शन हो सकती है और काफ़ी फेस को प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं हम यूज़ करने का सही तरीका और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। आप इसे यूज़ करने से पहले आप अपने अच्छे से हाथ धो लें और अपने फेस को धो लें अच्छे से। धोने के लिए आप किसी अच्छे मेडिकेटेड सोप या गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्रीम आप जहाँ भी लगाएं, आप वहाँ पर अच्छे से आप इसे जहाँ भी लगाएं, आप वहाँ पर ज़्यादा रगड़े नहीं, आप इसे हल्के हाथों से लगाएं, नहीं तो आपकी ज़्यादा रगड़ने से स्किन लाल हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते रहते हैं तो आपकी स्किन पर बाल आ सकते हैं, स्किन पतली हो सकती है, स्किन रेडनेस हो सकता है। अगर इसके तुरंत लगाने के बाद झाइयाँ और बढ़ जाती हों या पिंपल्स, एक्ने और भी बढ़ जाते हों, तो आप इस क्रीम को ना लगाएं और किसी अच्छे डर्मालोजिस्ट से कंसल्ट करके आप इस क्रीम के बारे में जानकारी लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक,